देखने को मिल सकता है कि रोमन रेंस को शेमस चैलेंज कर रहे हैं, अगर हो सके तो वो जीत भी सकते हैं। और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। जैसे सबको पता है कि द ऑनरेबल उससे सैमी ज़ेन रोमन रेंस के साथ अभी एक टीम में है, तो नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं। तो अगर देखते हैं कब तक ये उनके तो रॉक हम सबके फेवरेट वो वापस आ सकते हैं। वी कैन सी हिम इन रॉयल रंबल 2023। और अगर वो रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को वन ऑफ हिज टाइटल्स। और हमें ये सब देखने को मिल सकता है 2023 के रेसलमेनिया। तो कॉडी रॉड्स भी रिटर्न आ सकते हैं रॉयल रंबल में, अगर वो भी रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो ही कैन चैलेंज सेथ रॉलिंस फॉर हिज इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो हमें एक और न्यू राइवलरी देखने को मिल सकती है बिटवीन रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस। जैसे हमें सेथ रॉलिंस के हरकतों से लग रहा है, जैसे कुछ दिनों पहले सेथ रॉलिंस शील्ड के म्यूजिक पे आए थे स्मैकडाउन में, तो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है। तो बाय, इतना ही आज के लिए।